अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल तफसीर-ए-नुमा को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। लाहौर वालों, कम अज कम पूरी दुनिया में तुम्हारा हक बनता है, तुम मुहर्रम से पहले रो, तुम मुहर्रम से पहले मातम करो, इसलिए कि तुम्हारे शहर में वो शहजादी रहती है जो मुहर्रम से पहले उजड़ गई है। ये मुहर्रम के करीब हो गए, ये मुहर्रम से पहले उजड़ गई है। इसने करबला में क्या क्या दिया है? इसने 6 बेटे दिए, इसने सर की चादर दी, इसने मुस्लिम जैसा शौहर दिया। तू नहीं रो सका तो सैयद बेटा हाय करना। इसने शामे गरीबा एक बेटी दी है, जहां हुसैन के बेटों की कब्र, वहां रुकैया की बेटी की कब्र भी है। तफसीली शहादत पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा गुजरे, बस करीब से शहादत पढ़ना चाहूंगा। जितने अजादार बैठे हो, मातमी बैठे हो, ये है लाहौर वाली मलका का गम। मुझे इज्जत अब्बास की कसम, इतनी बहादुर थी मेरी सैयदादी, ये मेरी लाहौर वाली शहजादी इतनी बहादुर थी, ये मर्दों में होती तो अब्बास होती। इसकी एक शुजात सुनाऊं, ये इतनी बहादुर है, इसने आशूर वाले दिन हुसैन का जुलजना तैयार किया है। तो नहीं रो सका, मैं वजह पढ़ूं। हुसैन बहन के खेमे से बहन को विदा करके जब बाहर आया, हुसैन ने देखा कि हुसैन का सुलझना तैयार खड़ा है। हुसैन की आवाज आई, ना मेरा गाजी, ना मेरा अकबर, ना मेरा कासम, मेरा घोड़ा किसने तैयार किया है? इतना कहना था, यह पर्दे से अब्बास की बहन की आवाज आई, मौला तेरी कनीज ने तैयार किया है। हुसैन रो के, तेरे रुकैया तुझे किसने बताया है कि जीन ऐसे रखते हैं, लजाम ऐसे डालते हैं, रकाब ऐसे फेंकते हैं? रो के कभी शबे अशूर जब तू बहन के खैमे में था, गाजी रोता हुआ मेरे खैमे में आया, रोकेगा तू उम्मल बनीन की बेटी है, मैं उम्मल बनीन का बेटा हूं, कल हमारा मौला गरीब हो जाएगा, मेरे बाजू कट जाएंगे, मेरे हुसैन का घोड़ा तैयार कर देना। हुसैन की आवाज आई, मां उम्मल बनीन, तेरी औलाद की वफा के सदके मैंने तैयार किया। जब मुस्लिम को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, जिन्होंने तबूत लेके आना जी बिल्कुल तैयारी रखें, 1.5 या 2 मिनट के बाद जनाजा आएगा। जब जनाबे मुस्लिम को कूफे में गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम की हालत क्या थी? 2 मिनट मैंने मांगे, 2 मिनट गरीब बनना, 2 मिनट के लिए गरीब बनना। हालत क्या थी मुस्लिम की? अबरू कटे हुए थे, होंठ पे तलवार लगी थी, चेहरे पे नेजों की अन्नियों के निशान थे, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। मुस्लिम कूफे के बाजार में दाखिल हुआ, मुस्लिम की आंखों में लहू, चेहरे पे अली वाला जलाल। मुस्लिम किसी सिपाही को करीब नहीं आने दे रहा था, किसी को धक्का देता, किसी को तत्कारता, सिपाही डरते मुस्लिम के करीब नहीं आ रहे थे, मुस्लिम के बदन से लहू जारी था। इस जलाल के साथ अकील का बेटा कूफे के बाजार में दाखिल हुआ, कूफे के दरवाजे पे खड़े एक बंदे ने मुस्लिम को आते हुए देखा। ये बंदा थोड़े अरसे बाद वहीं खड़ा था, इसने इसी दरवाजे से सज्जाद को आते देखा। सज्जाद की आंखें झुकी हुई थी, गर्दन झुकी हुई थी, कोई सज्जाद को इधर खींचता, कोई सज्जाद को उधर खींचता। ये शख्स सज्जाद के करीब गया, रो के कहा, थोड़ा अरसा पहले यहां से मुस्लिम गुजरा था, उसकी गर्दन नकड़ी हुई थी, सीना उसका तना हुआ था, कोई उसके करीब नहीं आ रहा था। सजाद रो के, दे तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां बगैर चादर के, बगैर बुरके के। कूफे के दरवाजे पे जब अली की बेटियां आई, आखिरी लम्हा लेने लगाऊं, जब जनाबे मुस्लिम को कूफे में दारुल अमारा की छत पे लेके गए, जनाबे मुस्लिम की आखिरी वसीयतें, उनमें से एक वसीयत, मैंने कूफे में कर्ज देना, मेरी तलवार बेच के मेरा कर्ज उतारना। दूसरी वसीयत, मुस्लिम ने कहा हो सके मुझे पानी पिलाओ। एक सिपाही पानी लेके आया, इसने मुस्लिम के करीब पानी गया, मुस्लिम ने अपने मुंह का खून उस पानी में डाला, जब पानी का प्याला मुस्लिम के लहू से भर गया। मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे था, मुस्लिम ने कूफे की बाहर वाली दीवार पे उस पानी के प्याले को मारा, पानी बाहर वाली दीवार पे गिर गया। सिपाही देखने का, पीना नहीं था, मंगवाया क्यों था? मुस्लिम ने कहा मेरी मजबूरी है। अब जहन में नक्शा रखना, मुस्लिम ने अपने लहू वाला पानी कूफे की दीवार पे फेंका,
कूफे की दीवार पे मुस्लिम के लहू का निशान आ गया, मुस्लिम के खून के छींटे आ गए। ये जुमला समझ रही है? अब मातम की तैयारी करना। इधर अली की बेटियों का काफला कूफे के दरवाजे पे आया, या मुस्लिम की बेटी की आवाज आई, अम्मा काफला रोग, हमें बाबे की खुशबू आ रही है, अम्मा कहीं से बाबे के खून की खुशबू आ रही है। अभी अली की बेटी ने आंखें खोली थी, आवाज आई अस्सलाम अलैका या बिनते रसूल अल्लाह, मोहम्मद की बेटी तुझे मेरा सलाम हो। ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद ये मुझे सलाम किसने किया? आवाज आई, अम्मा सर उठा, वो देख मुस्लिम का सर कूफे के दरवाजे पे लटक रहा है। अली की बेटी ने सर उठाया, या लाहौर वाली रुकैया दौड़ के आई, रोके दी अली की बेटी, मुझे इजाजत दे मैं मुस्लिम से कोई बात कर लूं। आवाज आई, जल्दी कर, रोकल की चादर का गिरा नहीं है, पमाली का गिरा नहीं है, एक सवाल का जवाब दे, तेरे साथ मेरे दो बच्चे आए थे, मुझे बता मेरा मोहम्मद कहां है, मुझे बता मेरा इब्राहिम कहां है।